आप सच में पैसों की बरसात होने वाली है? जी हाँ बिल्कुल। अगर आपको भी जानना है तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में। सो हाई एवरीवन, आई एम कविता। सो आज मैं बात करने वाली हूँ रिसेंटली मोस्ट ट्रेंडिंग अपडेट्स पे, तो वो है यूट्यूब मोनेटाइजिंग पॉलिसी, न्यू मोनेटाइजिंग पॉलिसी। सो जैसे मेरे पास ये न्यूज़ आई है तो आपके पास भी न्यूज़ आ गई होगी। सो जैसे मैंने सर्च किया है तो आपने भी जरूर सर्च किया होगा। फिर भी मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, तो जायज है आपके मन में भी होंगे। तो चलिए बिना देर किए आपके और मेरे सवालों का जवाब लेके मैं आ गई हूँ। सो वीडियो को ज्यादा ना खींचते हुए मेरे पास आपके लिए जस्ट 5 सवाल है और उसके 5 जवाब है, ठीक है? जो भी इसके अंदर कंफ्यूजन है वो सब मैं क्लियर कर दूंगी कि YouTube की न्यू पॉलिसी क्या है एंड क्या ये जो लोग बता रहे हैं कि आपके पास पैसा आ जाएगा ये सच है या नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर है नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 3000 वॉच आर और 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आपकी जो वीडियोस में एड्स आते हैं उनका पैसा आपको आने लग जाएगा, तो बिल्कुल नहीं है ऐसा। मैं रियल बता रही हूँ कि ये चीज़ नहीं है, ठीक है? तो साफ साफ मैं बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं होने वाला है। अरे रुके रुके, पर मैंने ऐसा नहीं कहा कि आपको कोई पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है? तो अब आप बोलेंगे ये क्या बात हुई कि मतलब अभी बोल रही है कि पैसा नहीं मिलने वाला है और अभी बोल रही है कि ऐसा नहीं कहा कि बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। सो मैंने का मतलब, सो इसका मतलब यह है कि आपको YouTube ने 4 फीचर्स ऑन करेगा। अगर आपके जब 3000 वॉच आवर्स एंड 500 सब्सक्राइब हो जाएंगे तो YouTube आपके लिए 4 न्यू फीचर्स देगा। तो नंबर फर्स्ट है मेंबरशिप, नंबर सेकेंड है सुपर थैंक्स, नंबर थर्ड है सुपर चैट एंड नंबर फोर्थ है YouTube शॉपिंग। तो इनमें क्या क्या होता है जल्दी से जान लेते हैं। तो फर्स्ट फीचर है मेंबरशिप का। तो अगर आप किसी वीडियोस पे आपको ऑप्शन आता है कि ओनली मेंबर, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ वही लोग आपकी वीडियो देखें जिन्होंने आपकी मेंबरशिप ली हुई है, तो जब अगर वो आपकी वीडियो देखने के लिए मेंबरशिप लेंगे देन आप उस मेंबरशिप से अर्न कर पाएंगे। सो सेकेंड है सुपर थैंक्स। अगर किसी व्यूअर को आपकी वीडियोज अच्छी लगती है एंड वो आपको सुपर थैंक्स देता है तो आप उससे अर्न कर पाएंगे, तो आप उससे अर्न कर पाएंगे। सो थर्ड है सुपर चैट। जब आप लाइव जाते हैं और कोई सब्सक्राइबर या कोई व्यूअर आपको सुपर चैट देता है तो आप उससे भी अर्न कर पाएंगे। सो फोर्थ है यूट्यूब शॉपिंग। तो उससे क्या होता है, अगर आप अपनी वीडियोस पे किसी भी प्रोडक्ट का लिंक डालेंगे और कोई सब्सक्राइबर उस लिंक से आइटम परचेज करेगा, जो भी प्रोडक्ट परचेज करेगा उसका आपको कुछ परसेंट अर्न होगा। तो ये 4 न्यू फीचर्स हैं जो YouTube के न्यू अपडेट मोनेटाइजेशन में उड़कर है। एंड जो YouTube की पुरानी कंडीशंस है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर, तो वो तो हमें कंप्लीट करनी करनी है। जब आप वो भी कंप्लीट करेंगे तो जब ये वीडियो एड्स जो आते हैं, वॉच एड्स जो आते हैं हमारी वीडियोस पे, उसका पैसा प्लस शॉर्ट में जो एड्स आते हैं उसका भी आपको पैसा मिलेगा। तो सेकंड क्वेश्चन है YouTube मोनेटाइजेशन की न्यू जो पॉलिसी है क्या वो इंडिया में एप्लीकेबल हो गई है? तो उसका आंसर है नहीं, अभी इंडिया में वो एप्लीकेबल नहीं हुई है। अभी वो सिर्फ कुछ कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, साउथ कोरिया एंड तैवान, सिर्फ इन्हीं जगहों पे अभी वो स्टार्ट हुआ है। बट हाँ, कुछ टाइम बाद इंडिया में भी स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है यूट्यूब मोनेटाइजेशन की न्यू पॉलिसी से हमें क्या फायदा होगा? सो मेरे हिसाब से जिस भी यूट्यूबर के 500 सब्सक्राइबर हो गए हैं एंड 3000 वॉच आवर हो गए हैं, उन लोगों को एक्सेस होगा सुपर चैट का, मेंबरशिप का, शॉपिंग का एंड सुपर थैंक्स का, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ में ऐड कर सकता है। तो क्या होगा, उससे स्मॉल यूट्यूबर्स की भी ग्रोथ होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज न्यू यूट्यूब मोनेटाइजेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? तो उसके लिए हमारे पास 500 सब्सक्राइबर एंड 3000 वॉच आवर होने चाहिए। सो लास्ट क्वेश्चन इज एज अ यूट्यूबर आपको क्या लगता है कि आपके लिए ये न्यू पॉलिसी सही है या नहीं? सो लास्ट क्वेश्चन इज एज अ यूट्यूब क्रिएटर आपको क्या लगता है कि न्यू पॉलिसी, जो यूट्यूब की न्यू मोनेटाइजिंग पॉलिसी है, ये आपके लिए सही है या नहीं? सो मेरे हिसाब से ये पॉलिसी सही है। बिकॉज वाई, क्योंकि अगर हमारे पास 500 सब्सक्राइबर हैं और 3000 वॉच आ रहे हैं तो हमको पहले तो ऐसा कुछ नहीं मिलता था, बिकॉज हम लोगों को मैक्सिमम या मिनिमम 4000 वॉच आर और
1000 सब्सक्राइबर करने ही पड़ देते। तो अभी क्या है कि हम लोगों को एक्सेस तो मिलेगा, बिकॉज हम लोग काफ़ी सारे लिंक शेयर करते हैं अपनी वीडियोस में, है ना। तो अगर उससे हमारी कोई लिंक से परचेज भी कर रहा है देन हमें पता नहीं चलता है, ठीक है, तो हम लोगों को उसका कोई रिवेन्यू नहीं मिलता है। तो अब क्या हो सकता है कि हम जो भी लिंक डालेंगे या जो भी अगर हमें कोई सुपर थैंक्स या कोई किसी को भी हमारी वीडियोज़ अच्छी लगेगी तो उसका रेवेन्यू हमें भी मिलेगा। तो मेरी तरफ से तो हाँ बिल्कुल अच्छी पॉलिसी। सो मेरी तरफ से तो न्यू पॉलिसी को थम्स अप है। तो आपको न्यू पॉलिसी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, एंड आपका कन्फ्यूज़न क्लियर हुआ या नहीं। जस्ट बिकॉज मुझे भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैंने इसके बारे में 2-3 दिन अच्छे से पढ़ा, तो फिर मैंने कहा शेयर करती हूँ, बिकॉज कई लोगों को इससे मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। एंड लोग मुझे भी सेंड कर रहे थे कि देखो 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 मतलब ये न्यू पॉलिसी आ गई है, अब पैसे कमाना और भी आसान हो गया है। तो हाँ आसान हो गया है, बट अगर आप सोच रहे हैं कि अब आपको 4000 नहीं करने पड़ेंगे, सो दैट्स नॉट राइट। तो हमको वो कम्प्लीट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई होगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एंड कभी जरूर बताएं कि आपको यूट्यूब की न्यू पॉलिसी पसंद आई है या नहीं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।